दिल्ली के झरोदा के आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मदन मिश्रा जी का कहना है कि झरोदा मेट्रो स्टेशन का नाम संगम विहार किए जाने से झरोदा के नागरिकों में काफी रोष है। उन्होंने कहा कि वह उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे और 25 RWA के लेटर भी लगाएंगे। नेशनल इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली बुराड़ी से उषा पांडे की रिपोर्ट। मेट्रो स्टेशन को लेकर झरोदा के लोगों में जो आक्रोश पैदा हुआ है उसकी वजह क्या हम जान सकते हैं? झरोदा के जो लोग हैं उनके आक्रोश का सबसे बड़ा कारण है कि झरोदा के ग्रामीण झरोदा के खसरा पे बनने जा रहा मेट्रो स्टेशन और उसका नाम तिमारपुर विधानसभा के जनप्रतिनिधि, वहाँ के निगम पार्षद और बाकी लोगों का दबाव है कि उस मेट्रो स्टेशन का नाम झरोदा ना करके संगम विहार झरोदा कर दिया जाए। तो झरोदा के लोगों का, हम लोगों का आपत्ति बस यही है कि उस नाम को छेड़छाड़ ना किया जाए, नाम में कोई बदलाव ना हो। जो नाम पहले से प्रस्तावित है झरोदा माजरा मेट्रो स्टेशन, उससे किसी भी तरीके का चेंज बदलाव ना हो, बस यही मांग है छोटी सी और इसके लिए सभी सहमत हैं। इसके पीछे क्या राजनीतिक साजिश भी दिखाई देती है? नहीं, राजनीतिक साजिश नहीं है, ये एक दो क्षेत्रों का, दो विधानसभाओं का थोड़ा सा टकराव है छोटा सा, कोई राजनीतिक साजिश नहीं है इसके अंदर। असल में जो तिमारपुर विधानसभा है, हमारे पड़ोस में लगता है जी जी, उनका कहना है कि भाई जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है झरोदा का, उसमें संगम विहार नाम ऐड कर दिया जाए, उनकी एक कॉलोनी ऐड कर दिया जाए, जबकि वो बन रहा है पूरे विधानसभा में, बुराड़ी विधानसभा के अंदर है, बुराड़ी विधानसभा के झरोदा वार्ड नंबर 8 में बन रहा है, खसरा ये झरोदा का है। तो जब मेट्रो स्टेशन झरोदा में बन रहा है तो उसमें संगम विहार को नाम को ऐड करके कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं हो जाना? वो तो वैसे भी सभी लोग यूज करेंगे मेट्रो को, संगम विहार के लोग करेंगे, हम लोग करेंगे, तो उसमें कोई किसी को प्रॉब्लम है नहीं। तो वहाँ के जनप्रतिनिधि एक विकार की मांग कर रहे हैं कि भाई ये मेट्रो स्टेशन संगम विहार नाम ऐड कर दिया जाए, जो कि उचित नहीं है। इसके खिलाफ हमने उनसे बात करने की भी प्रयास किया, हमने जब देखा वो नहीं मान रहे और लोगों को वो गुमराह कर रहे हैं, वो एक लेटर वगैरह दिखा रहे हैं कि हम पास करा लाए संगम विहार मेट्रो नाम हमने रखवा दिया, अखबार की कोई कटिंग चला रहे हैं कि अब इसका नाम संगम विहार होगा। कल को वो कहेंगे कि झरोदा का नाम भी संगम विहार रख दो। तो ये चीज़ उचित नहीं है, जो जायज़ बात है हम उसकी मांग कर रहे हैं। उसके लिए आप देखेंगे कम से कम 25 करीबन लेटर हैं, जिसमें से 12 लेटर मेरे पास हाथ में मेरे अभी हैं, अवेलेबल हैं, बाकी अभी शाम तक हमारे पास आ जाएंगे। हमने DMRC को मेल किया है, मनीष सिसोदिया जी को मेल किया है, मुख्यमंत्री जी को लिखा है, सबको लिखा है, इस बारे में ज्ञापन सबको दे दिया है हमने, हमारे वहाँ से रिवर्ट भी आ गए हैं, तो हमारा प्रस्ताव उन तक गया है, अब हम उनसे मिल के आएंगे। और अभी मैं पर्सनली लेवल पे RWA से जाके कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, उनसे मीटिंग कर रहा हूँ, उनसे समर्थन ले रहा हूँ और सभी लोग समर्थन दे रहे हैं।